हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब शेयर्स की। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, स्टॉक अब मतलब ग्रो अप के होम पेज पे आ चुके हैं और ये जो टॉप ट्रेंडिंग में फोर है, टाटा मोटर्स, रामा स्टील ट्यूब्स, जोमेटो। तो हम बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब्स की। तो दोस्तों, देख सकते हैं एक दिन में इसने 1.40 का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो आज बात करने वाले हैं, इसकी एनालिसिस करेंगे कि कंपनी क्या कितना क्या ग्रोथ कर रही है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, देख सकते हैं फंडामेंटल सेक्शन में आ चुके हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 2153 करोड़ रुपए, मतलब मार्केट कैप ये दिखाता है कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। तो मतलब इस कंपनी को ख़रीदने के लिए 2153 करोड़ रुपए देने होंगे अगर इस कंपनी को ख़रीदना है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है इसकी। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले इंट्रेंसिक वैल्यू देखी जाती है कि कौन सा स्टॉक मतलब सस्ते में मिल रहा है, कौन सा महंगा मिल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू ये पता करने के लिए यूज होती है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू आप कैसे चेक करते हैं, गूगल से भी चेक कर सकते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मतलब एग्जांपल के थ्रू मैं बता दे रहा हूँ कि दो मतलब दो बिल्डिंग है, एक ए है एक बी है, तो दोनों की प्राइस 1 करोड़ रुपए है। तो मतलब ए बिल्डिंग के पास क्या है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, मॉल है पास में, लेकिन बी बिल्डिंग के पास कुछ भी नहीं है, वो 1 किलोमीटर दूर है। तो मतलब वैल्यू अपन जो पैसे दे रहे हैं वो वैल्यू ए बिल्डिंग से मिल रही है, मतलब सब कुछ पास में है। तो मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू ये पता करने में पता लगाती कि कौन सी वैल्यूएबल मतलब प्राइस है, कौन सा स्टॉक सस्ता मिल रहा है, कौन सा महंगा मिल रहा है, बस ये पता करने के लिए यूज होती है। तो मैं ये चेक करने के लिए गूगल से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि इंट्रेंसिक वैल्यू ये मार्केट प्राइस से थोड़ा ज़्यादा रहती है, मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है तो उस हिसाब से इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, लेकिन कम हो तो वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो अब आता है पीई रेशियो। पीई रेशियो आता है, तो पीई रेशियो को समझने के लिए ईपीएस समझना पड़ेगा। ये जो ईपीएस अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पर कितनी अर्निंग है, तो पी रेशियो रहता है। तो दोस्तों, पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो पी रेशियो मतलब ये होता है कि 74.05 है, तो इतने इन्वेस्ट करने पर 1 रुपया मिलना, मतलब 74.05 जब अपन शेयर एक शेयर लगाएंगे शेयर पे, तो वो 1 साल में 1 रुपया देगा। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि पी रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा रहता है। तो पी रेशियो निकालने के लिए मतलब ये दिया है अर्निंग पर शेयर, तो पी ई अपॉन प्राइस, प्राइस कितनी है 15.48 अपॉन ई पी एस, तो इससे पी ई रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो और थर्ड आता है पी वी रेशियो, प्राइस पर बुक वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू पर डिपेंड करता है, मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो ये कंपनी आज बंद हो जाती है, तो एक शेयर पर 2.17 रुपया से पैसा रिटर्न मिलेगा आप। मतलब एक शेयर मतलब लिया हुआ है 15.48 रुपये का, तो आज मतलब कंपनी बंद हो जाती है तो अपन को 2.17 रुपये मिल जाएगा, इसका ये मतलब है। और इंडस्ट्री पी ई रेशियो मतलब ये पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री का पी ई रेशियो है। और डेप्ट टू इक्विटी, फोर्थ आया डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी मत में मतलब ये रहता है कि इसके कर्जदार डेप्ट मतलब इसके जो इसने कर्जा ले रखा है कंपनी ने, मतलब जो इक्विटी मतलब जो कितने सारे ओनर्स हैं, तो जिस भी कंपनी के ज़्यादा ओनर होंगे तो वो भी सही नहीं है, और जितने ज़्यादा ज़्यादा कर्जदार होंगे तो वो भी सही नहीं माना जाता है।
मतलब डेप्ट टू इक्विटी मतलब ये जितना कम होगा उतना बेस्ट रहता है। जैसे इसका 0.43 दिया है, मतलब इसने एक रुपये पर 0.43 कर्जा ले रखा है, तो मतलब ये और भी ले सकता है। तो डेप्ट टू इक्विटी जितना कम होगा उतना बेस्ट रहता है। तो पी रेशियो मैंने बता दिया, जितना कम होगा उतना बेस्ट रहेगा, मतलब 20 से कम रहता है तो वो बेस्ट माना जाता है। लेकिन कुछ कुछ कंपनियों का पी रेशियो पहले से ही हाई रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब रिटर्न नहीं देते हैं, वो प्रॉफिट नहीं बन देते हैं, लेकिन एक या दो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, और ठीक है नीचे चलते हैं, तो नीचे चलते हैं फाइनेंशियल्स में। तो फाइनेंशियल में आप देख सकते हैं रेवेन्यू, मतलब ईयर वाइज भी देख सकते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू कितना है। तो 2020 में देख सकते हैं 356, 2021 में 477, 2022 मतलब बढ़ता ही जा रहा है, 2024 में थोड़ा कम है। तो इसका प्रॉफिट भी देख सकते हैं, प्रॉफिट भी जून में मतलब ईयर वाइज भी देख सकते हैं, तो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब रेवेन्यू ये थोड़ा 2024 में और प्रॉफिट में प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। मतलब ये जो कंपनी जो और एक और पॉइंट मैं कवर अप करना चाहता हूँ, ये DIV यील्ड मतलब डिविडेंड, तो डिविडेंड इसका 0.00%। मतलब कई कंपनियाँ रहती हैं जो डिविडेंड देती हैं, मतलब जैसे ऑयली कंपनियाँ हैं वो डिविडेंड देती हैं कि मतलब जो प्रॉफिट बचता है कंपनी को तो वो डिविडेंड मारती हैं अपने शेयर मतलब शेयर होल्डर्स को। तो ये कुछ कंपनियां डिविडेंड इसलिए नहीं देती कि वो अपनी कंपनी में ही जो पैसा आया है, जो प्रॉफिट आया है, तो उसको ही ग्रो करने के लिए मतलब अपनी कंपनी में ही लगा देती हैं। तो प्रॉफिट देख सकते हैं, नेटवर्थ देख सकते हैं ईयर वाइज कितनी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है। तो मतलब ठीक है, तो और शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब ये इसमें प्रमोटर्स, रिटेलर और फॉरेन इंस्टीट्यूशन, मतलब प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, तो जो कंपनी को चला रहे हैं उनके पास ही कुछ अपनी कंपनी का हिस्सा नहीं होगा, तो फिर वो कंपनी मतलब वो ऐसा माना जाता है कि जिसकी कंपनी है उसके पास ही वो शेयर्स नहीं है, तो उसको भरोसा ही नहीं है अपनी कंपनी पे कि ये आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इस ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रमोटर्स के पास जो वैल्यू बढ़ती जाए मतलब हर साल, कि हाँ भाई प्रमोटर्स के पास शेयर्स हैं खुद के, तो उसे भरोसा है कि हाँ मेरी कंपनी आगे ग्रो कर रही है, तो मैं ही शेयर खरीदता जाता हूँ। ठीक है, तो प्रमोटर्स के साथ देख सकते हैं 56.33% है, रिटेल के पास 143.62% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास अभी मतलब है नहीं, म्यूचुअल फंड्स भी आता है इसमें, मतलब म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो। ठीक है, तो ओवरऑल और देख सकते हैं ये मतलब क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस का यही है, और टेक्निकल एनालिसिस हम बताएंगे अगली वीडियो में।